Oi, yes, Paul, I'm here in your country, in your town, in your gym. Yes, Paul. ओ भाई यस पॉल नहीं हूं मैं भाई yes, अमेरिका था आई पीछे जेक पॉल था मिले पीछे यस पॉल भी यस पॉल बन गया जो सतपाल है वो सतपॉल बन गया जो हरपाल है वो हरपॉल बन गया रामपाल है रामपॉल बन गया सारे पॉल बन गया। अच्छा तो अब मैं आया हूँ आज ट्रेनिंग करने अपने करनाल कीमत की एकेडमी में। कई दिन हो गए थे कोई पैड वर्कआउट के लिए कोई नहीं मिल रहा था और बॉक्सिंग की ट्रेनिंग के लिए कोई नहीं मिल रहा था। खेलना मेरे जिम में करा करूँ था तो आज कीमत खेलना और किप्पे खेलना इस जिम में ट्रेनिंग करेंगे। जिम देखो भाई कितना गजब जिम। ऐसा जिम तुमने या तो दूसरे देशों में देखे होगा या उधर करनाल में मिलेगा। बहुत बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर है और बहुत बढ़िया कोच है कीमत सुरेंद्र कोच साहब थे जिनके पास मैं ट्रेनिंग करो करता हूँ। छोटा भाई है कीमत उसने एकेडमी चला रखी है वो इस एकेडमी को रन कर रहा है पूरा। बहुत बढ़िया पसीना काटूंगा बहुत बढ़िया बढ़िया जो बॉक्सिंग की जो चीज़ जो हेड मूवमेंट चाहिए मैंने एक पार्टनर के लिए वह चीज़ सारी पूरा करूंगा क्योंकि जो पंचिंग बैग की चीज़ है। अरे भैया रुको लेकिन वो कोने में क्या है मेरे को जाना पहचाना लग रहा है वो शख्स देखने को जाके कौन है पास में भाग के जाओ भागना जाए वो कुण में लगा रखी पर कोई बात नहीं कुण में भी तो देखा है मैंने और उस कुण में देख के मैं बाल ना बस ठीक है मैं मर थोड़ी गया कहता कुण में तो मैं बाल खाने देखू। वैसे तो रोज ट्रेनिंग करता हूँ मैं लेकिन मेरे इंस्टाग्राम पे बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे कमेंट आ रहे थे कि अपनी ट्रेनिंग की वीडियो दिखाओ तो आप लोगों को आज दिखाता हूँ इंडिया का बेस्ट प्रोफेशनल बॉक्सर कैसे ट्रेनिंग करता है। तो भाई कभी भी वर्कआउट करो स्टार्टिंग सबसे पहले स्ट्रेचिंग से करनी चाहिए और स्ट्रेच भी वो पार्ट करने चाहिए जिनका हम ज़्यादा यूज़ करेंगे लाइक अभी मेरे लेग्स का और मेरे हाथों की ज़्यादा मूवमेंट होगी मेरे शोल्डर्स की ज़्यादा मूवमेंट होगी मेरे शोल्डर्स की मेरे लेग्स की कमर की अपर बॉडी मूवमेंट की जो मैं आज वर्कआउट करने वाला हूँ सबको बता दो भाई आज मैं 10 राउंड अपर बॉडी मूवमेंट ही करूँगा स्पेशल उसी के लिए आया हूँ और कुछ पंची सेट करूँगा और थोड़े दिनों के बाद फिर तुम्हें स्पारिंग भी दिखाएंगे। स्पारिंग होती है मतलब हम ट्रेनिंग में किसी के साथ दूसरे के साथ फाइट करते हैं तो उसकी भी वीडियोस तुम्हें दिखाऊंगा। अब स्ट्रेचिंग से शुरू करके पहले स्कीपिंग रोप और बाकी चीज़ तुम्हें दिखती रहेंगी बार बार। इसका सांस चढ़ाऊंगा वीडियो बनाना पंखा करूंगा आज मैं तो वार्म अप करना है बार बार वार्म में इसका ना पंखा फैट देगा इसका सिस्टम खत्म हो जाएगा। पंखा फाटना बोलते हैं हरियाणवी में मतलब थक जाएगा। कीमत कोच और यश पॉल वार्म अप के लिए हर्डल बना रहे हैं मेरी तैयारी कर रहे हैं देखो तो मेरे को इससे ज़्यादा खुशी ही नहीं है। हमारा प्रोफेशनल WBC का 3 बार चैंपियन जो हमारे सेंटर में ट्रेनिंग करने आया बहुत खुशी की बात है करनाल के लिए। और एक स्पेशल मोटा आदमी बुलाया पंजाब का स्पेशल उन्हें पिटूंगा वो आया तो हेड मूवमेंट करवाना सकता है मेरी स्पेशल पंजाब का बहुत तगड़ा टैटू वाला बंदा पंजाबी में ट्रेनिंग करवाऊंगा ये रहा बंदा देखो कितना तगड़ा है। अरे ना बंगा करूंगा इसका पंखा पाड़ूंगा चिल मैन चिल इसको वार्म बैंड बोलते हैं और ये पंचिंग बैग्स हैं। वार्म अप करते करते सर बॉक्सिंग के बारे में बता दूं ये पंचिंग बैग है और ये डबल एंड बॉल है बॉक्सिंग में लगे तो बहुत टाइम तो होया पर हुण जिहड़ा बहुत ही वड्डा ऑफर आपां नूं मिलिया उहदे लई पूरियां फुल तैयारियां चल रही ने ते वाहिगुरू दी कृपा नाल आपणा बहुत तगड़ा काम होगा ते नीरज पूरा वर्क हार्ड पूरा दिलों जान ला के पूरी मेहनत कर रहा ते जैक पॉल दा धूस कढ देंगे जैक पॉल दी जाके उत्ते ते बाकी कल्ले जैक पॉल दा नहीं जिहड़ा उह है KSI ते टॉमी फ्यूरी उहनां दे वी गर्द उठा देंगे भाई एक जो शरीर है यो ही आदमी ने लेके जाऊंगा लास्ट तक मतलब मरते दम तक। मरने के बाद तो 4 आदमी से ने लेके जाऊंगे तो उससे पहला शरीर की टेक केयर करने खातर अपने आप को फिट करने के लिए हर रोज अपने शरीर ने 24 घंटे में तो 1 घंटा दूंगा।
हैंडरेस पे रहूंगा क्योंकि जो वर्कआउट है पंचिंग बैग का है, पंचिंग पैड का है, अपर बॉडी मूवमेंट का है, तो जो हैंड रैप्स हैं बॉक्सर्स हैंड रैप्स इसलिए डालते हैं ताकि अपनी नकल है जो ये ना फटे, इसको सेफ करने के लिए। और गम शील्ड जो होती है, माउथ गार्ड जो होता है, वो अपने दांतों को जो होठों और दांतों के बीच में जो गैप है ताकि अपने लिप्स हैं ये ना कटे, इसके लिए माउथ गार्ड होती है। भाई ये जो हैंड रैप्स हैं ये ट्रेनिंग की हैंड रैप्स हैं, और जो फाइट में होते हैं फाइट में प्लास्टर, इंडिया में प्लास्टर बोलते हैं बट वो भी हैंड रैप्स ही होती है, वो कोई और बंदा करता है, और उससे जो ये है अपना ग्रिप बहुत सॉलिड हो जाती है, और हाथ जो ये पंच मार देंगे पर ये टूट जाते हैं, सब जगह फ्रैक्चर हुए हुए हैं मेरे को भी, तो उससे बचाने के लिए हैंड रैप्स होती है। सारी टीम खड़ी है भाई, वो देखो एक आदमी को मेहनत करवाने वाली इतनी टीम होती है, टीम के कम लोग हैं, तो किसी को भी अच्छा बॉक्सर बनने के लिए उसकी टीम का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होना, उसका स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का कोच, उसका बॉक्सिंग का कोच, उसका डाइटिशियन, ये सब को सारी चीज़ें ध्यान रखने वाला, तो हर चीज़ का ध्यान रखने वाला आदमी ज़रूर होना चाहिए, तभी एक जो बॉक्सर है या एक एथलीट है वो अच्छा रिजल्ट दे पाएगा। साल की बड़ी फाइट का जो ओपोनेंट उसकी थोड़ी सी हाइट लंबी है, तो हमें पता ही है कौन है, लू मारो हम उसके ऊपर, लू चिंता घेर देंगे हमें फिनिश। अरे मैं तो भूल ही गया था, मेरा ओपोनेंट तो लंबा आना है, इसका मारेंगे, इसका मारेंगे, और फिर उल्टा नहीं करेगा, फिर मैं ऐसे ही करूँगा, यहीं से बच जाऊँगा, फिर के फिर मार दूंगा, सिंपल पहन लूँगा उसने जिसका तुम सबने पता है। तो भाई वार्म अप डन, अरे वार्म अप डन होगा भाई, 25 मिनट लग गए, प्रोफेशनल बॉक्सर हूँ यार, ऊँ ला रहे हो तुम, इतना टाइम तो लगाना पड़ेगा भाई, कितने भी बड़े बॉक्सर बन जाओ या स्टार्ट करो तो बॉक्सिंग जैसे मैं वार्म अप से शुरू करके दिखाई ना, पहले मैंने वार्म अप किया, फिर शेडो बॉक्सिंग की, डबल हैंड बॉल की, अब मैं पंचिंग बैग या जो मेरा वर्कआउट है कोच बताएगा वो चीज़ें करूँगा, लेकिन ऐसे ही बॉक्सिंग है, पहले बेसिक से शुरू करनी पड़ेगी। ये तो मेरा एक दिन का या एक सेशन की ट्रेनिंग थी जिसमें मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप काम किया है, और अगर हम फाइट भी करते हैं जब हम बड़ी फाइट करने जाते हैं तो उसमें पहले स्ट्रेचिंग होती है, फिर वार्म अप होता है, फिर पंचिंग पैड होते हैं, और फिर हम रिंग में उतरते हैं। दोस्तों 3 मिनट का राउंड, 1 मिनट का रेस्ट, पंचिंग बैग का भी सेम रहेगा, पंचिंग पैड का भी, और अपर बॉडी मूवमेंट का भी। बॉक्सिंग में 3 मिनट के राउंड हो गए, और प्रोफेशनल बॉक्सिंग में 3-3 मिनट के 12 राउंड हो गए, अमेचर बॉक्सिंग में 3-3 मिनट के 3 ही राउंड हो गए।
पानी पी लो, दर्शन कमी सारा करा कुछ बोल, पानी तो पी लो। लोगों में सोचा बॉक्सिंग आसान होगी, खाली 3 मिनट कर लो, 12 राउंड तो दूर की बात है, जोर से मना कुछ कहा ना वो खाली 3 राउंड कर लो। दोस्तों जब सुपरमैन रिंग के भी थोड़े देखो ऊपर उड़ कर जाऊंगा, तुम के सोचो थे उड़ जाऊंगा, पंख थोड़े लग रहे। अभी दोस्तों हम शुरू करने वाले हैं निर्जुगत के साथ पैड पैड वर्क। आ गए हम, बी रेडी मैन, आई एम कमिंग। हां जी ये बने फिरदा ना बड़ा बॉक्सर, तुझे देखो मैं कितना झक कटदा हूं। ये आपके बारे में एक उल्टा बोल रहे हैं। अरे एबी से ना बोलने दो, तुम लोग खत्म हो गया, वीडियो जब तक खत्म होगी ना, जब ये राउंड खत्म होगा इसकी जीभ देखो कितनी बार लकड़ी मिलेगी देखो। ये आपके बारे में उल्टा बोल रहे हैं। ओ तू पंडियां देखी हुन करा, देखी हुन पमकड़ निकल दे, लेट्स गो। दोस्तों देखो लाइट चली गई, ताकि मेरा फ्लो ना टूटे, मेरी ट्रेनिंग खराब ना हो। देखो सारे भाई फ्लैश ले लेगा आगे, ऊपर देख कितने फोन इकट्ठे कर दिए। चलो राउंड करते हैं शुरू। क्या बाप रे भाई, मार दे ना, नहीं धक्का नहीं करना भाई। ट्रेनिंग के आज जो मेन ट्रेनिंग की हेड मूवमेंट और आई सेट की थी, और उसी टाइम पे लाइट चली गई, जो मेरे 8-9 राउंड कंप्लीट हो गए थे, और जो मेन राउंड फिर हमने थोड़ा फ्लैश जला के करी, फिर वेट करी, तो उसके बाद लाइट नहीं आई। अपना जो शेड्यूल था वो तो पूरा करना ही था, तो अब कार की लाइट जलाई है और शायद 10 मिनट रेस्ट करे होगा हमने, और उसके बाद थोड़ी शैडो बॉक्सिंग करी, दोबारा वार्म अप करा। तो अब ये देखो सारे फ्लैश लेकर खड़े हैं, कुछ लोगों ने अपने कार की लाइट जला रखी है, कोशिश करते हैं कि कुछ अच्छा दिखा पाए। दोस्तों जैसे वीडियो में बताया, बीच में लाइट चली गई थी और 3-4 राउंड बच रहे थे, लेकिन बॉक्सिंग ने ये चीज़ सिखाई है, कितनी मर्जी दिक्कत आ, जो अपना जो पैशन है वो नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी जो ट्रेनिंग है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो ज़िंदगी में कितनी मर्जी दिक्कत आए, आपकी लाइफ में कुछ मर्जी दिक्कत आए, लेकिन जो आपका गोल है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए, उसकी तैयारियाँ कभी कम नहीं करनी चाहिए। हम लोगों ने फिल्मों में भी देखा होगा और बहुत लोगों से सुना भी होगा कि स्ट्रीट लाइट में घरों की लाइट चल जाती थी, स्ट्रीट लाइट में उन लोगों ने पढ़ाई करके IAS IPS अफसर बने हैं। तो सेम चीज़ मैं भी ट्राई करता हूँ, और आज तो आप सबने देख ही लिया क्या हो रहा है, अपने भाई सारे फ्लैश लेकर कार की लाइट जला के खड़े हैं। धन्यवाद आप सारे
ऐसे साथ बना के रखो, बहुत दूर जाना है अभी तक। राम राम, जय हिंद, जय भारत।